बेकरी शॉप बिजनेस प्लान, कॉस्ट टू प्रॉफिट तक की पूरी जानकारी। बेकरी क्या है? बेकरी वो स्थान है जहाँ ब्रेड, केक और बिस्कुट्स आदि का निर्माण किया जाता है। इन चीजों को बनाकर बेचने के काम को बेकरी बिजनेस कहा जाता है। बेकरी बिजनेस से जुड़ी चीजों को बेक यानी कि सेक कर बनाया जाता है, इसीलिए इसे बेकरी कहते हैं। बेकरी शॉप बिजनेस का बाजार कितना बड़ा है? बेकरी शॉप के बिजनेस को लेकर भविष्य में कई अच्छी संभावनाएं हैं। आज देश के ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हो रहा है, जिसका साफ असर उनके खान पान में भी देखा जा रहा है। हमारे देश की प्रमुख आबादी आज भी गाँव में ही निवास करती है। इसके साथ आज बेकरी का बिजनेस कई ग्रामीणों की जीविका का आधार भी बनता जा रहा है। वो अपने क्षेत्र में गेहूं उत्पादन से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। बेकरी शॉप बिजनेस कैसे शुरू करें? बेकरी बिजनेस दो तरीके से किया जा सकता है, या तो कम निवेश के साथ छोटे स्तर पर, या फिर बड़े स्तर पर जिसमें व्यक्ति को अच्छी खासी पूंजी लगानी पड़ती है। अगर ये बिजनेस छोटे स्तर पर किया जाए तो इसमें मुनाफा कम होता है, वही अगर इसको सही ढंग से बड़े स्तर पर किया जाए तो मुनाफा बहुत अधिक हो सकता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने रुपए इस व्यवसाय में निवेश करने की क्षमता रखते हैं। और आजकल तो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार और बैंकों की तरफ से बहुत सी अलग अलग स्कीम भी आने लगी हैं। आप उन स्कीम और लोन की मदद से अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। बेकरी शॉप का बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए? बेकरी शॉप का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह। आप चाहें तो आप अपने घर से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, या फिर जमीन भी किराए पर ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। बेकरी बिजनेस के लिए जरूरी उपकरण। तो आइए जानते हैं बेकरी के लिए क्या क्या सामान और उपकरण का इस्तेमाल होता है। बेकरी के लिए मुख्य रूप से जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है वो इस प्रकार है। मिक्सचर मशीन, ड्रॉपिंग मशीन, बेकरी ओवन, पैकिंग करने के लिए लेयर मशीन। बेकरी शॉप बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? आप किसी शेफ को नौकरी पर रख सकते हैं, जिसका वेतन लगभग 15 से 20 हजार प्रति माह के करीब हो सकता है। इसके साथ ही सहायक के तौर पर आपको करीब 2 से 3 लोगों की जरूरत होगी, जो इस काम में मुख्य व्यक्ति की सहायता कर सके। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब आपको अपना स्टाफ कुछ बढ़ाना पड़ सकता है। यदि आप चाहें तो इस बिजनेस के लिए आप एक मैनेजर भी रख सकते हैं, लेकिन शुरू में आप खुद ही इस बिजनेस को अपनी निगरानी में चलाएं, ताकि किसी गलती की गुंजाइश कम ही रहे। बेकरी शॉप बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी लागत चाहिए होगी? यदि आप बेकरी बिजनेस को एक प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको शुरुआत में कम से कम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। बेकरी बिजनेस में मुनाफा कितना हो सकता है? बेकरी बिजनेस से होने वाली कमाई का सही अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कई लोग बेकरी बिजनेस से 50,000 रुपए भी कमा रहे हैं और कुछ की कमाई लाखों में भी है। इस बिजनेस में सफलता का सीधा सा एक मूल मंत्र है कि आप अपने उत्पाद को जितने ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में सफल होंगे, आपका मुनाफा उतना ही ज्यादा रहेगा। बेकरी के उत्पादों को कहाँ बेचें? बेकरी का माल तैयार हो जाने के बाद उसकी अच्छे से पैकिंग आदि कर दें, उसके बाद बात आती है आखिर उन उत्पादों को बेचे कहाँ। यहाँ पर उत्पादों को बेचने से संबंधित आप 3 तरीके अपना सकते हैं। पहला, आप अपने उत्पाद को शहर के होलसेलर तक पहुँचाएं, इसके बाद दुकानदार आपका सामान वहाँ से उठा लेंगे। दूसरा, आप चाहें तो बेकरी वालों से खुद ही संपर्क बनाकर उनको अपना उत्पाद बेच सकते हैं। और तीसरा, आप खुद ही अपने शॉप में अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। बेकरी शॉप बिजनेस की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? बेकरी शॉप बिजनेस की कुछ मुख्य चुनौतियाँ हैं। उदाहरण के लिए, इस बिजनेस में आज बहुत से लोगों का प्रवेश हो चुका है, जिस वजह से आज इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है। इसके अलावा बेकरी बिजनेस के लिए कुछ योग्य लोगों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे योग्य लोगों को खोजना और फिर उन्हें रोक के रखना भी एक चुनौती है। बिजनेस में उत्पादन से जुड़ी भी कई चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट का उत्पादन और कितनी मात्रा में करना सही रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं इन चुनौतियों पर खरा उतरने के लिए?